जैसे मैं पानी की बात करी थी, पानी आपने सिप सिप करके लेना है। कोई भी अगर आप लिक्विड लेते हो तो वो प्रॉपरली आपके स्लाइवा के साथ मिक्स होना चाहिए। अगर आपकी स्लाइवा के साथ वो प्रॉपरली मिक्स होगा, जैसा हमारा मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा। अगर आप कोई भी चीज़ है, जैसे आप कोई फूड खा रहे हो, आपको एक 600 ग्राम की कोई प्लेट आती है, तो आपने अच्छे से वो प्रॉपरली च्यू करनी है। च्यू 32 टाइम्स करनी है, एक छोटी सी बाइट लोगे, उसको 32 बार चबाओगे, उसको अपने स्लाइवा के साथ प्रॉपरली मिक्स करोगे, फिर उसको अंदर लोगे। इकट्ठा खाना नहीं है, उस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर जो हमारी एनर्जी है, जो हम मतलब क्या करना चाहते हैं, हीलिंग काम करवाना चाहते हैं अपनी बॉडी से, जहाँ हमारी एनर्जी लगनी चाहिए उसको वहाँ लगाएंगे हम, ना कि हम उसको वेस्ट करेंगे डाइजेशन में। डाइजेशन हमारा मुँह से आधा हो जाएगा। हमारा सबसे पहले मुँह में लेते हैं, हम स्वाद देखते हैं, स्लाइवा हमारा सबसे पहला है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो क्यों ना हम शुरू से यहीं से शुरू हो जाइए। मशीनरी है ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ से शुरू करोगे तो नीचे वालों को काम ही नहीं करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले यही करना है, मुँह में अपना लेके स्लाइवा, जो भी आप बाइट ले रहे हो उसको लो, प्रॉपरली मिक्स करवाओ, फिर अंदर लो। आपको टाइम लगेगा खाने में, ऐसा नहीं है, बट आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए। इसके बाद हम यहाँ पे एक अल्कलाइन आपको पानी पिलाते हैं। उसको बनाने का तरीका अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन, किस किस को पता है अल्कलाइन बनाना, अल्कलाइन वाटर बनाने का तरीका पता है? किसी को नहीं पता है। आपने क्या करना है, अल्कलाइन वाटर में आप 1 लीटर का जार लोगे। 1 लीटर का जार लेके आपने खीरा लेना है, खीरे के 4 पीस काटने, उसको पील नहीं करोगे, विदाउट पील करके एक जो खीरा है उसको 4 पीस काट करोगे। उसके बाद आप एक लेमन लोगे, लेमन को आप बीच से कट करके एज इट इज़ डाल दोगे। 3 आपने हरी मिर्ची लेनी है। उसके बाद आपने 1 आंवला लेना है, आंवला लेना है वेरी इंपॉर्टेंट, आंवला आपने लेना है। उसके बाद आप कुछ पत्ते लोगे, जैसे धनिया है, पुदीना है, तुलसी के पत्ते, 3-3, 4-4 पत्ते आप ले लो, एज इट इज़ उसको डाल दो आप उसमें 1 लीटर के पानी में। उसके बाद आप पूरा दिन उसको पी सकते हो। आप टमाटर इसलिए मत डालना क्योंकि आजकल स्मेल आ जाती है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो टमाटर थोड़ा स्मेल करता है, तो उसको ना लेके सिंपल आपने जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो आपने रख लेनी है, पूरी रात उसको रख दो, नेक्स्ट मॉर्निंग आप पूरा दिन पी सकते हो। इसको सब पी सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, जिसको किडनी की दिक्कत है या कैंसर की दिक्कत है वही पी सकता है, सारे लोग इसको पी सकते हैं। तो एक तो हमारा अल्कलाइन वाटर हो गया, एक हम यहाँ पे आपको डैप टी पिलवाते हैं, तो डैप टी भी इंपॉर्टेंट है। तो डैप टी के लिए आपने क्या करना है, 1 लीटर गर्म पानी लेना है, उसको काढ़ना नहीं है, बॉयल एकदम गर्म पानी लेके उसमें आपने 3 लौंग डालने हैं, 5 इलायची डालनी है, 25 काली मिर्चें डालनी है, 2 छोटी छोटी आप दालचीनी डालोगे और 1 चम्मच आपने सौंफ डालनी है। ये जो सारी क्वांटिटी है ना वो 1 लीटर पानी के लिए है। तो ये आपने डाल के उसको एज इट इज़ रखना है और आपने उसको सिप सिप करके पीना है। इसके बाद आप उसको एज इट इज़ रखोगे, सारा सामान जो हमने डाला हुआ है, जैसे लौंग है, इलायची है, जो भी डाला है, एज इट इज़ सामान रखने के बाद आपने इसको सिर्फ पीना है। उसके बाद आप इसमें पूरा दिन गर्म पानी ऐड करोगे, सामान एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ गर्म पानी ऐड होएगा और आपने इसको सिप सिप करके पीना है। तो ये है हमारा डैप टी, अल्कलाइन वाटर हो गया, डैप टी हो गया। एक हम आपको बताते हैं यहाँ पे मिलेट्स। तो जो मैं हमारी मिलेट्स है उसमें सबसे अच्छी फॉर्म है हमारी फर्मेंटेड मिलेट्स की। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपने फर्मेंटेड मिलेट्स लेने कैसे हैं। आप कोई भी एक मिलेट ले लो, जैसे हम यहाँ पे 5 तरह के मिलेट्स यूज़ कर रहे हैं, एक फॉक्सटेल कर रहे हैं, एक बर्नियार्ड कर रहे हैं, एक लिटल कर रहे हैं, एक कोडो कर रहे हैं, एक ब्राउन टॉप कर रहे हैं। जो फॉक्सटेल है उसको हम कंगनी बोलते हैं, जो लिटल है हम उसको कुटकी बोलते हैं, और बर्नियार्ड को हम स्वांग बोलते हैं, ब्राउन टॉप को हम हरी कंगनी बोलते हैं, और एक और कौन सा, कोदो को हम कोदरा बोलते हैं। तो ये हमारे 5 तरह के मिलेट्स हैं। इसमें से आप कोई भी मिलेट उठाओ और आपने कोई भी एक मिलेट ले लेना है, जैसे कि आपने फॉक्सटेल ले लिया, आपने कंगनी ले लिया, आप उसको लेके उसमें आप जितना आपने एक कॉली ली है मिलेट की उसमें 10 गुना आपने पानी डालना है, 10 गुना पानी डालना। इसको ध्यान से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आएगा। जब भी कभी वीकनेस हो तो ये ज़रूर देना है पेशेंट को खाने के लिए। एक कॉली आपने मिलेट्स की ले ली, उसमें 10 गुना आपने पानी डाल दिया, कम से कम उसको 5 से 6 घंटे आपने भिगो के रखना है। 5 से 6 घंटे भिगोने के बाद आपने वो मिलेट है एज इट इज़ जो जितना भी पानी है उसको लेके गैस पे रख देना है। गैस पे रखने के बाद गैस ऑन कर देनी है, एकदम सिम कर देनी है गैस, उसको इतना इवेपोरेट करना है, उसका पानी उबलता रहेगा उबलता रहेगा उबलता रहेगा। जब वो पानी आपका 1/3 हो जाएगा उबलते उबलते, आपने कोई भी मिट्टी का बर्तन लेना है, मिट्टी का बर्तन ले लिया, मिट्टी के बर्तन में सारी चीज़ें उलटा दो, एक कोई कॉटन का कपड़ा ले लो, ऊपर से उसको ढक दो और अच्छे से गांठ मार दो उसमें बिल्कुल टाइटली। ये सारा प्रोसीजर आपने रात को करना, क्योंकि सो दैट आप नेक्स्ट डे आराम से उसको ले सकते हो। पूरा टाइट से बांध लिया, जब आप सुबह देखोगे तो उसके फर्मेंटेड मिलेट्स तैयार होंगे। अब जैसे फर्मेंटेड मिलेट्स है उसको हम अमली भी बोलते हैं, खमीर भी बोलते हैं। तो ये आपने लेना है, और इसको लेने का तरीका क्या है, आपने
या तो आप जैसे फ्रूट्स ले लो, कोई भी फ्रूट्स ले लें, जो भी हमारे सीजन के फ्रूट्स आते हैं उसको अच्छे से चॉप कर लो, छोटे छोटे पीसेस में काट लो। और अगर आप उसमें वेजिटेबल्स डालना चाहते हो तो वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो, वो भी आपने अच्छे से प्रॉपरली चॉप करके डाल देनी है। और इसका एक शेक भी बन जाता है अगर आप शेक बनाना चाहते हो। पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप शेक बनाओगे तो हम जनरली शेक कैसे बनाते हैं, उसको मिक्सी में ग्राइंड करवाते हैं ना, तो वैसे नहीं करवाना। अगर आप करवाओगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा हमने फर्मेंटेड मिल्ट्स को घुमाना नहीं होता है मिक्सी में। आप जैगरी ऐड कर सकते हो, डेट ऐड कर सकते हो, मुनक्के ऐड कर सकते हो, रेजिन ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। बट आप उसमें वाइट शुगर नहीं डालोगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक तो सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक और दूध से बनी चीज़ें, दूध, दही, लस्सी, घी, पनीर ये बंद करवा देते हैं, कॉफ़ी नहीं पिलाते हैं, चाय नहीं पिलाते हैं, रिफाइंड फूड नहीं देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, रिफाइंड फूड नहीं देते हैं, और क्या नहीं देते डॉक्टर साहब, हाँ पैक फूड नहीं देते। जैसे आपके मिर्च मसाले वगैरह आते हैं ये बने हुए, तो वो चीज़ें आपने नहीं लेनी है। अब जैसे आप यहाँ से भी जाओगे, दाल बनाओगे घर में या सब्ज़ी बनाओगे कोई भी, तो यहाँ तो आपको बोला जाएगा कि आपने दाल बनानी है, सब्ज़ी बनानी है। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली बाज़ार से मसाले लेके आते हैं, MDH के मसाले आ गए, किस किस के मसाले आते हैं, वो मसाले ना लेके सिंपल आप घर में धनिया हो गया, धनिया को पीस लो, जीरे को थोड़ा सा भून लो, जीरे को पीस लो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो सारे मसाले आपके घर पर तैयार हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। वैसे ही जैसे आपको मैंने अभी शेक का बताया, फर्मेंटेड मिल्ट शेक में, इसमें आप ऊपर से थोड़ा सा एलमंड ले लो, एलमंड को क्रश कर लो, वो ये सब चीज़ें डाल सकते हो। तो डिपेंड करता है आप क्या क्या कर सकते हो मिलेट्स को बनाने के लिए। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।